ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੂਜਾ ਖੋਲ ਦੇ ਮੱਝ ਮੱਝ ਵਿਚਾਰੀ ਡਿੰਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਔਰ दोनों टाइम दूध पिलाती है कट्टी को और कट्टी हम बता देना चाहते हैं गाभिन भी हो चुकी है। हो सकता है बेचारी के थन थुन तो खत्म ही हो रहे हैं, बुढ़ापा हो गया, खराब हो गए थे थन थुन तो बस बस रुक जा। और सीधा जाने दो, कोई नहीं, बस 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 छप्पड़ में ना जाने दे, रुक दे। हाँ देखो अभी रिंग रही थी, मैंने सोचा चलो भैंस को खोल के वो चलाते हैं। जितना भी बेचारी के नीचे दूध आता, देखो कट्टी है, कोहिनूर की कटड़ी है ये, इससे पैदा हुई और कटड़ी गाभिन हो चुकी है, अभी चेक पास तो नहीं हुई। और एक वो लाइन की बात है, मैं आप सबको मैं तो सारे याद भी करवा देना चाहना कि मोदी की जो माँ सी, मोदी आप बनया नहीं, हमेशा ही दुध पिलाया सी लगातार ही। और उन्हें भी मैं तुम दसदा भी 2016 जनवरी विच वह कंपीटिशन जीती सी, पहले सूए दूजी चोट दो दंद चोटी सी जी, बड़िया मझां फस्ट आ गई सी सून तो बाद, और चैंपियन भी मेले की बनी थी। और अगले साल जो 2017 का मेला ना 2016 2017 जनवरी का मेला सी, उदों भी मोदी विखे दुध पींदा गया सीगा और उत्थे जाके माड़ी मोटी हिली सी, नहीं तो हिली नहीं सी, लगातार दुध पिंदी रही सी। आई ये दी लक्ष्मी की माँ है, ये नानी होगी मोदी की। और ये मज भी देख लो भी किन्ने चिर की बेचारी सूई होगी, मेरे हिसाब नाल तो दो दो साल दे एड़ के कट्टी चली गई होनी है। और अभी भी रिंग के दोनों टाइम बेचारी जिन्ना भी कोई किलो अद्धा किलो दो चार किलो जो भी दिंदी होगी, और रिंग के बेचारी दुध दिंदी, बहुत करम वाली मज है। और एक ये मज से भी कदम बहुत जवानी रही है, कंपीटिशन च फस्ट सैकेंड आँदी रही है। और 2008-09 वाले टाइम तो मेलिया तो जो ये मज चलती होंगी सी ना, तो मेले के पिछे 100-100 बंदा चलता हूँ भी, मझ देखो किड्डी चौड़ी किड्डी उच्ची सारी चीज़ सी। हूँ लक्ष्मी इस तो बाद पैदा हुई, वो इस तो भी तगड़ी चीज़ बन गई, मोदी अगों भी उस तो तगड़ा चीज़ बन गया, और एवं लाइन चलती रही है। और ये दुध दूध जो हम पिला के दिखा रहे हैं, देखो हम भी खुद अपने फार्म के बच्चों को दूध है जो 2.5-3 महीने पे बंद कर देते हैं, और बंद कर देना चाहिए, फालतू में दूध नहीं पिलाना चाहिए। और ये तो चलो भैंस के था नहीं, बेचारी ख़राब सी हो रही थी इसलिए चलो बच्ची पीती रही है लगातार। और यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये मुरा भैंस है जो बेचारी बुढ़ापे में है, अभी हमने इसे बच्चा लेना बंद कर दिया, हीट में भी आती तो हम करवाते नहीं हैं, तो मतलब बुढ़ापे में भी है और थन भी ख़राब है, फिर भी बुला के बच्चे को दूध पिलाती है। और ये कट्टी कट्टी तो थन बहुत वधिया है, मैंने ये थन चंगे लगते हैं, देखो कोई नूर की कट्टी है, दिखते ही नहीं मैं लगता। हाँ और ये ना हो जाए कहीं कि कट्टी ब्याह जाए और कट्टी को भी आगे अपने बच्चे को दूध पिलाना पड़े, और तब भी तक भी ये भैंस का दूध पीती रहे, इस बात का भरोसा नहीं है। अभी दोनों टाइम ही दूध पिलाती है और खड़ी है बेचारी, और कर्मों वाली होती हैं ऐसी चीज़ें जो हमें लक्ष्मी मोदी जैसी चीज़ें जिसने पैदा करके दी हैं। कौन कमेंट कर रहा है हमारे फार्म में से भी, और बस करिए जी, और थनों को काटती नहीं है, देखो काटती तो होगी थोड़ा बहुत, वैसे ऐसा नहीं है, समझदार कट्टी है, नहीं तो भैंस हिल जाए। और जो भाइयों के कमेंट आए हैं, कहीं की अरुण लंबा जी, किरण जी, हरदीप सिंह जी कह रहे हैं जो मैं आया उदो भी चुंग रही थी, बिल्कुल जी। और
मैं इसलिए ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये मोदी की नानी है, मोदी की लाइन है। और जैसे आमतौर पे एक आधे भाई का मैंने देखा था कमेंट कमेंट कि किसी के पास भूल की नानी हो तो वो बताओ, तो मैं चलो ये नानी तो खड़ी खड़ी है, ये तो सिंपल बात है। हमारे पास टिकायत एक, ओ टिकायत नू निकालना, और टिकायत को निकालना बाहर। टिकायत एक ऐसा बच्चा हमारे पास तैयार हुआ जिसकी माँ, नानी, पड़नानी, दादी, पता नहीं क्या कुछ जिसकी डिटेल है, उसको भी आपको दिखाते हैं। अभी अभी चलाई है वीडियो तो दिखा, ले आ ले आओ, साफ सुथरा नहीं है, लिबड़े तिबड़े। पर जिवें कहिंदे हीरे जिहड़ा कमल दा फुल वाई उगदा हुंदा। हमारे मोबाइल में कमेंट करता है तू, ले आओ ले आओ ले आओ बच्चे को, कोई बात नहीं मारने दो। एक कट्टा और खोल लो यार, जाफराबादी भी दिखा देते हैं, अभी उसकी माँ दिखाई है, जाफराबादी को आने दो। ये है जी वो 20 महीने का कटड़ा है जिसका नाम हमने टिकायत रखा है। अच्छा है, सुंदर है, बचपन में भी एक आध बार आपको दिखाया। ये अभी स्पेशल बुल बन के आ रहा है और बहुत से अच्छे अच्छे फार्मर्स इसकी इच्छा कर रहे हैं। अभी तो देखो है तो लिबड़े तिबड़े बेचारा, और पीठ पुट्ठे का, टेस्टिकल का, हर चीज़ का पूरा है। आप बोलेंगे किसी बुल में मान लो पुट्ठा नहीं अच्छा, पूछ नहीं अच्छी, चमड़ी नहीं अच्छी, माँ नहीं अच्छी, बाप नहीं अच्छा और सिंह नहीं अच्छा। ये मोदी की छोटी कट्टी है वो बेचारी, ये भी साथ की साथ घूम रही है। ये जाफराबादी भी आपको दिखा देते हैं, ये जाफराबादी आ गई। अभी थोड़ी देर पहले आप इसकी वो देख के हटे हो, माँ देख के हटे हो, इधर ले आओ बाहर, इन दोनों को बाहर ले आओ। कौन? कोई नहीं रहने दो उसको, वो बाहर निकालो जाफराबादी को। और टिकैत का बाप पूछ रहे हैं, टिकैत का बाप जी 122 नंबर बुल है गुजरात का, जो हमारी यमुना बफेलो उसका ही बच्चा है वो। और इधर को जाने दो, दोनों को दिखाना, आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं, कर दो कर दो कर दो। ये जाफराबादी है जी, वो जैसे बात कर रहे थे कि एक बंदा पूछ रहा था पंजाब का, पूछता सी का कहिंदा हैदराबादी का सीमन तैयार है जी, तो वो हैदराबादी है, जाफराबादी है। और अच्छी भैंस का बच्चा, टोपली भैंस जो थोड़े दिनों में ब्याने वाली है, आपने अभी उसकी वीडियो देखी, उन्होंने मोड़ी कहते हैं। और सीमन इसका तो अभी चालू नहीं हुआ, और एक अलग नस्ल तैयार करी है गुजरात के लोगों के लिए, इसको हम देखो पंजाब हरियाणा में नहीं देंगे। और ये गुजरात के लिए ही ये बुल है सिर्फ, और थोड़ी सुस्त नस्ल होती है, इतने तेज नहीं होते, ये थोड़े स्लो होते हैं। और टिकायत भी आपको दिखा दिया, ऐसे चीज़ें निकालने लगे तो एक एक चेक करके काफ़ी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। और ये बुल है जी, ओ इसे पकड़ना, मारो। तो इसका जो आने वाले समय में जाफराबादी भी तैयार आपको मिलेगा, नाग और गोल्डन स्टार भी देखने को बना। वैसे राणा एक दिखाने वाली चीज़ है जो हमारे फार्म की स्पेशल है, चलो वो बाद में कभी दिखाएंगे, कोई नहीं चलाएंगे, ठीक है जी। और टिकायत कैसे लगा जरूर बताना जी, अपने पंजाबियों का हैदराबादी तो गुजरातियों का जफर पकड़ यार, इसे गुजरातियों का जाफराबादी है जो, वो तो आपने देख ही लिया। और ये बुल है जी टिकायत, सिंह देखिए तो बहुत ही अच्छा सिंह है, बस कोई नहीं दिखा दे, ठीक है।
पकड़ से। और चमड़ी की बात करें तो बस बस देखो बहुत ही पतली चमड़ी है बिल्कुल। और चार पीढ़ियों का रिकॉर्ड है जी। एक पहला ऐसा बुल है, मैं चैलेंज तो नहीं करता हूँ क्योंकि साइड ले जाए हटेगा नहीं, नहीं तो इसको पकड़ यार, मार इसको सूरज, हाँ मार मार मार, हाँ। तो पहला ऐसा बुल है जिसका चार पीढ़ियों का रिकॉर्ड है। चार का बोल लो, पाँच का बोल लो, छः का बोल लो, लेकिन हमने चार पीढ़ियों तक की फ़ोटो दिखा दी है। पहले हम आपने सिकंदर और दारा जो यूज़ किए हैं वो रोक के रखो, वो यूज़ करे हैं रानी भैंस के नाम पे। तो रानी यदि चौथी पीढ़ी जाके पड़नानी लगती है जी, हजे बच्चा है, 20 महीने उम्र है सारी। और बोल आप थोनों लगभग लगभग दिखाता, ठीक है जी। पुट्ठा बहुत शानदार है, पूछ बहुत पतली है, टेस्टिकल बहुत अच्छा है। सूरज साइड हो, कोई बात नहीं, पानी पिएगा अब जाके। और अब देखो पहले हमने इसे नॉर्मल सेवा में रखा है। जब यार वो रहना ले क्यों रहना ले क्यों, ये वीडियो बंद नहीं होगी, नहीं तो फिर ऐसे करते रहेंगे। तो पहले सेवा से यदि नॉर्मल रखी है, जदों का तुम इन्ना सोहना रिस्पॉन्स दिता सानू सच्ची, मतलब उस तो बाद सेवा हूँ असी वधाती है। आने वाले 2 महीनों बाद एक चीज़ बनया देखोगे, अज भी बहुत सोहनी चीज़ है और बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। माँ अच्छी है, नानी अच्छी है, पड़नानी अच्छी है, और पता नहीं क्या क्या, दादी अच्छी है, बहुत अच्छी दादी है। और कटो फिर कोई एक अद्धा होर, हाँ चलो बस आप 1000 भाई अपने नाल जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जाफराबादी को और दिखा के बंद कर दो राणा, वो रहन दो, जाफराबादी बाहर निकालो बस। राणा ले आ यार, ले आ राणा, ले आ राणा, राणा एक दिखाने वाली चीज़ है जी, वो तुहानू दिखाने हैं। और इसकी माँ ना, एक चीज़ मैंने देखी है, इसकी माँ जब छोटी होती थी ना पानी बहुत ज़्यादा पीती थी, मतलब पानी पी जाना लग जाती, तो ये भी थोड़ा ऐसा ही। गुरमीत सिंह सीमा ने तो कह रहे ये अवेलेबल है जी, राणा की डिमांड आ रही है, एक दो भाइयों की ज़रूर दिखाएंगे। राणा लेके आ रहा है कोई, पूछी हाँ ले आओ ले आओ, ये कट्टी को अंदर भेजो, अंदर ले जा इसको, कट्टी को फिर वहां ले जाओ इसको, हाँ हाँ इसको तो अंदर लेके जा। मोदी बोल रहे हैं जी, मोदी फिर दिखावे कदे जी, अज आप एक राणा राणा तुम दिखाना। और एक अलग नस्ल है जी जाफराबादी, अभी आपने इसकी माँ भी देखी है थोड़ी देर पहले। ले आओ ले आओ, इमीडिएट राणा ले आओ, टाइम नहीं है। ये जाफराबादी ओरिजिनल जाफराबादी है जी। और जिमें आप PDF के मेले का पूछ रहे जी, शायद 10-11-12 दिसंबर का या 11-12-13 का ऐसा कुछ डेट है। और देखो जी LDF ने चीज़ रखी है, तो मोरा की बात करें तो उसमें ये मान लो मोदी, सिकंदर, दारा, कोहिनूर, नाग, गोल्डन स्टार, टिकैत, पता नहीं राणा की है, एक नंबर है सौदा। HF असी फड़िया था जी, HF में हमने हंटर पकड़िया, जब हमने हंटर ऐड किया था अपने फार्म में तो वो कुछ नहीं था, हाँ नहीं राणा, तो कोई ऐसा सौदा नहीं था उसमें ऐसा खास। तो बाद में उसकी माँ ने 5 महीने की बेई ने 2.5 महीने की गाभिन ने 62 किलो दूध निकाल लिया PDF में। इस बार 1 महीने की बेई जाएगी और कुछ नया करेगी, हमें उम्मीद है। अगर हमने नीली रावी पे काम किया तो पाकिस्तान से इंपोर्ट हुआ वो बुल, जो पाकिस्तान में जन्मा है, हमने नीली रावी ऐड किया। और कौन सी नस्ल है, HF होगी साहिवाल में हमारे पास तेजस हीरा जैसे बुल हैं। और बस आपको साहिवाल हो गया, फिर गुजरात से हमने बल्लू हो गया,
और इनको हमने बुल्लों को ना टीएमआर की फीडिंग दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, जो टीएमआर मशीन होती है। ये टिकाया था जी अपना, थोड़ा सब का फेवरेट, थोड़ा थोड़ा करके देवांगे, हौली हौली करके। थोड़ा गर्दन ऊपर उठा के, ये जाफराबाद दिए जी, आगे ले जाके। ये राणा 3.5 साल का भी बच्चा है जी, ये भी कोई ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है, स्पेशल है। ये टिकायत इसके पंगे ले रहा, पकड़े से। ये राणा जी 3.5 साल उम्र है, धड़ बहुत सोहना, धड़ बहुत उच्चा, ठीक है। सिंग बहुत अच्छा है, ओरिजिनल सिंग है जी। आ देखो जिहड़े मैनू परसनल तौर पर जिहड़ा मैं तुहानूं दसां जी, मझां दे आपां सिंग बनाउंदे आ जिहड़े गड्ढे है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। ओरिजिनलिटी है ये सिंग की, एक बना के सिंग तैयार किया जाता, एक ओरिजिनल होता है। बस 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 छोड़ दे, ये राणा आ गया जी, स्पेशल है चीज़ और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे है। कोहिनूर सुखा सरपंच जी कह रहे दिखाओ जी, कोहिनूर नहीं दिखाएंगे अभी, इन्ना नहीं दिखा सकते। टिकायत जाफराबादी तुहानूं दिखाता और राणा दिखाता, टिकायत दिखाना जरूरी सी क्योंकि एक नवा बुल है, अजे तक ऐसा चीज़ की कोई वीडियो भी नहीं आई थी। ये है जी छोटा जहा बच्चा 20 महीने का, जो ये 24 का होगा उदों तुहानूं दिखावांगे चीज़ की बनता, ठीक है। नाथ हमने इसके डाली नहीं है, तो थोड़ा बदमाशी करता। ये राणा जी, राणा को पकड़ के दिखा दे यार, ऊपर खड़ा करके, बस फिर आप वीडियो बंद करिए। 1200 भाई हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और देखो अगे तो मुकद्दर की गल है भी की होना है, की रिजल्ट आने, चंगे की उम्मीद है, बहुत चंगे की उम्मीद है। पर मैं तुम दसदा भी चीज़ा ऐसा जड़िया आम नहीं मिलती जी। बस ऐसे खड़ा कर दे टेटा, बस थोड़ा दिखाना है और फिर वीडियो बंद करेंगे। बस गर्दन ऊपर उठा दे, तेरे को फड़ना नहीं आता रामू, तू पकड़। ये है जी 3.5 साल का, हजे 5 साल का इन्हें अडल्ट बुल बनना है। और जैसे मोदी चैंपियन बना, हमें 100% उम्मीद है कि ये आने वाले मेलों का चैंपियन होगा राणा। माँ बहुत अच्छी है राणू, बस एक कदम आगे कर दे, एक कदम और आगे कर दे, बस रोक दे, अगले पैर से ही कर दे, बस पीछे कर, बस गर्दन उठा दे। ये है जी राणा, देखो 3.5 साल उम्र है, टिकायत की उम्र 20 महीने है जी, और बहुत चंगा बुल बनूगा, 1.5 साल की ग्रोथ का हो रहा है। और ओरिजिनल मूँह सिंग है, मूँह बहुत पतला है, बहुत चंगा करैक्टर है। ये सिंग मैनू इहदी माँ दे भी गड्ढे सीगे, आ जिहड़े गड्ढे वाले सिंग मैनू बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा वधिया लगते। और अच्छियां मावां दे बच्चे है जी। और हुण लाइन जिहड़ी 4थी पीढ़ी की लाइन पड़नानी पड़दादी तक आप चले गए हैं। अगे मैं तुहाडे नाल प्रोमिस करदा 2-3 साल च इहो जिहा बुल लैके आ रहे हैं जिहदे 7 पीढ़ियां का रिकॉर्ड होएगा। बीजदान असीं कर चुके हैं, ठीक है जी। और 7 तों 8 25+ वाली मझां तुहानूं दिखावांगे, जिहड़ियां लुकियां छुपियां होंदियां। हुण आपां कह लईए जी धन्नो दी माँ कौन है, आपां चंगी होगी ओबवियसली माँ जां प्यो, ठीक है जी। वह तो लुकिया छुपिया लाइना अलग है, जिहड़ियां आपां तुहानूं मौजूदा दिखावांगे वी हाँ जी मौजूद आ मझां दी फोटोज है। 7 पीढ़ियां का रिकॉर्ड असीं 3 साल के तुहाडे कोल बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, अगे रब जानदा। और थैंक यू, एक बार टिकायत दिखा के आपां वीडियो बंद करी लिया भाई, ठीक है जी। पिंड चक वैरोका जी, तहसील जलालाबाद, जिला फाजिलका, पंजाब। आलो जी, ये है थोड़ा नवाया धोया तो नहीं गा, और छोटा बुल है, 20 महीने उम्र है, लेकिन चीज़ स्पेशल है। बस ले जा राणे को ले जा, और वीडियो हुण आप बंद करांगे जी, नहीं तो ना तुहाडा हटन नूं दिल करना ना ही साडा। और 2 घंटे भी लगे रहिए तो काम खत्म नहीं होगा, पर कोई नहीं कदे फिर आप जरूर टाइम कढ़ांगे, ठीक है जी। अभी
छे महीने हो रहे खीरा रहूगा अगे फिर कंपीटीशन का भी बुल बनूगा जी सानू ये उम्मीद है। और बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू। ये किमें लगे बुल सानू जरूर दस्यो जो सिंह ओरिजिनल है बनया होया नहीं है मैं तुम दस दें जी बिल्कुल ओरिजिनलिटी जिवें राणे का सिंह ये है ये गड्ढे तो नहीं आए कुदरती वो और मान लो वह सिंह इस तो बरीक सिंह भैड़ा भी लगता है इस तो बरीक सिंह चाहिए भी नहीं है खुला इस तो थोड़ा चल जाता और ये चीज़ है जी और थैंक यू। पुट्ठा बहुत सोहना चौड़ा पुट्ठा पतली पूछ है अच्छा टेस्टिकल है और गर्दन गुर्दन बॉडी एक नंबर है। ये है अपना टिकैत साहब और हमारे किसान नेता को हमने समर्पित करके इसका नाम रखा। बहुत से भाई बोलते थे कि वो मोदी नाम रखा है मोदी राम रखा है तो हमने भाई इसलिए टिकैत साहब का भी टिकैत का भी नाम लिख रख दिया। थोड़े बहुत सारे कमेंट आए थोड़ा नाम नहीं ले रखे सके इसलिए माफ़ी चाहते हैं और थैंक यू थैंक यू थैंक यू विंकल जी सॉरी कोई नूर नहीं दिखा सके कोई नूर थोड़ा तीन चार दिन से ढीला था और दिखा मिलते हैं जी फिर अगली मेरी वीडियो कदे। हाँ जी थैंक यू।